छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पेंड्री स्थित महिंद्रा शोरूम में पुरानी गाड़ी खरीदने वाले चंदन साहू के साथ शोरूम वालों ने ठगी की है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अगर नई गाड़ी पुरानी गाड़ी राजनांदगांव के पेंड्री में खरीदना चाहते हैं महिंद्रा शोरूम में, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं कि कस्टमर के साथ किस तरीके से ठगी होती है। अभी हमारे साथ एक चंदन साहू जी हैं, इनके साथ किस प्रकार से ठगी हुई है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? चंदन साहू। चंदन साहू, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम धनगांव। धनगांव में क्या हुआ था आपके साथ? मैं जब गाड़ी लेने के लिए आया था, गाड़ी ट्रायल करके देखा और बताया कि गाड़ी में ऐसे ऐसे परेशानी है करके, तो योगेश भाई था तो वो उसको बोला, योगेश कौन? योगेश यहीं से है? हाँ यहीं से है, ठीक है। तो उसको बोला कि ये सब परेशानी है गाड़ी में, तो बोला कि ठीक है हम बनवा के दे देंगे कल आके, आप गाड़ी जब ले जाने के लिए आओगे तो गाड़ी का जो है परेशानी वो हम ठीक कर देंगे, ऐसे करके गाड़ी बोला। कब खरीदे थे आप? 7 तारीख को। 7 तारीख को, मतलब इसी महीने 7 तारीख को। अच्छा, और उसके बाद हम गाड़ी लाए यहाँ पे तो बनाने के लिए दिए हैं, तो अभी आज बन गए, बना रहे हैं करके बोले। फिर एक हफ्ता बाद यहाँ पे आए, फिर बोलते हैं कि गाड़ी बन गए करके, फिर लेने के लिए आए तो वही गाड़ी वही कंडीशन है, उसमें कुछ बना ही नहीं है। अभी क्या कहते हैं शोरूम वाले? अभी बोल रहे हैं अभी कि वही सोल्यूशन कर लो, सोल्यूशन कर लो करके। क्या सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन है, अभी तक हुआ ही नहीं नहीं, है कुछ। मतलब आपका पैसा लौटाने की बात कर रहे हैं, गाड़ी बना के देने की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। आप जनरल मैनेजर से मिले यहाँ पे, मैनेजर साहब से? मैनेजर साहब के पास तो मेरे को ले जाया ही नहीं है अभी। कौन कौन बंदे यहाँ पे इन्वॉल्व है, किससे किससे मिले थे गाड़ी खरीदने के लिए? योगेश सिन्हा है। योगेश सिन्हा है। आप देख सकते हैं, जब भी एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड गाड़ी देते हैं, गाड़ी देने के बाद भी बड़े अच्छे तरीके से धो पोछ के साफ करके फूल माला लगा के अपने घर लेके जाते हैं, उनको खुशी होती है कि गाड़ी वो खरीदे हैं करके। ऐसे लोग को खुशी होती है कि गाड़ी लोग, भले वो गाड़ी सेकेंड हैंड क्यों ना हो, गाड़ी खरीदे हैं करके। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के साथ ठगी हो जाता है। और ऐसे शोरूम वाले जो हैं, जो 2 पैसे की लालच में इन गरीबों के फीलिंग के साथ खेलते हैं, यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। हाँ सर, नाम क्या है आपका? विद्याभूषण भटले। विद्याभूषण भटले जी, आप यहाँ के क्या हैं? एजीएम सेल्स हूँ। एजीएम सेल्स। सर, अभी एक शिकायत है, चंदन साहू जी 7 तारीख को आपके यहाँ से गाड़ी परचेस आप किए थे, अपने सेकंड हैंड टीआरपी बढ़ा रहे हो सर। चंदन साहू जी से मैं बात कर रहा हूँ, चंदन जब साहू मना सामने कर रहे हैं हैं। सर, चंदन साहू सामने हैं, आप आपको पहचान नहीं पा पैसा रहे हैं, नहीं देना आप आपसे, पहचान नहीं पा रहे हैं सर, चंदन साहू मेरे से सामने मिले हैं। ही नहीं है ना सर, तो मैं कैसे पहचानूंगा सर, आपके पास ये 10 बार आ चुके हैं, मेरे से उसके बाद एक भी बार कोई भी रिस्पॉन्स मुलाकात नहीं नहीं हुआ, हुई, तब एक बार जाके भी ये न्यूज को मुलाकात आना नहीं हुई। पड़ा, हमको आना पड़ा। मतलब आपके शोरूम ये ठीक है, आप चाहती है अपना कि न्यूज जब चैनल तक, बढ़ाइए, फिर करते सर रहिए, टीआरपी की बात नहीं है सर, ये बढ़ाइए इनकी ना फीलिंग की सर। बात है सर, ये गरीब आदमी बड़े मुश्किल से 1-2 लाख रुपए इक्ट्ठा करके तो गाड़ी खरीदे फ्री हैं, में देख के क्यों नहीं ले गए होंगे उन्होंने गाड़ी गाड़ी? खरीदी है, मतलब क्यों ये कि इनका पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, सारी इनके साथ वैल्यू जो है, ठगी इसलिए हुई उनकी है, गाड़ी, इनके उनकी साथ गाड़ी ठगी हुई बनाने के है। लिए भी एक दे, बार और हो चुका है सर, एक बार और चुका है, पता नहीं एक मेरे बार एक कार्यकाल में साल तो कभी, पहले तुमड़ी बोर्ड से एक लड़का गाड़ी बनाने के लिए आपके पास छोड़ा मेरे था, कार्यकाल में उनके कभी गाड़ी नहीं को हुआ, पूरा खोल दिए और बोलते हैं कि बोरे में बांध के लेके जाओ। मैं मेरे यहाँ पे आया कार्यकाल था, में उस कभी टाइम मैं नहीं न्यूज हुआ कवर नहीं ऐसे। किया था, उस टाइम मैं न्यूज कवर नहीं किया था। आप अभी क्या कहना चाहेंगे बताइए मुझे, आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, इनका पैसा वापस होगा, क्या होगा उनका गाड़ी पैसा में लेके, वापस कब होगा तक सिस्टमेटिक ढंग से होगा, होगा, कब तक होगा सर? 10 दिन लगेगा भैया सप्ताह पैसा से दस वापस दिन होगा, मतलब दिवाली के बाद? दिवाली के बाद। दिवाली से पहले क्यों नहीं सर? अब प्रोसेस है सर वापसी का, मतलब 10 दिन का ऐसा क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा सा बता दीजिए ना, ये कैसे उनका कैसे क्या प्रोसेस है, प्रोसेस वो होता है? प्रोसेस करेंगे, वो सरेंडर लेटर लिख के देंगे, वो उसके तो बाद दस यहाँ मिनट में से काम होता है चेक सर, सरेंडर लेटर वो अभी करवा लिख के लीजिए, देंगे, 10 मिनट में अभी आप ही करवा करा देता हूँ दीजिए, मैं सरेंडर करवाइए लेटर। ना आप उनसे, बता दीजिए किनसे मिलना पड़ेगा सरेंडर लेटर के लिए? मेरे से ही मिलना है आपसे आपको, ही मिलना है ना, क्या फॉर्मेट रहेगा बताइए आप? कुछ नहीं है, उनको लिख के देना है कि भैया मैंने ऐसी एक ऐसी सादे गाड़ी कपड़े में लेके, लिख के देना है, माफीनामा मांग के लिखेंगे, वो माफीनामा ये क्यों मांगेंगे सर, पहले मांगेंगे बताइए, ना सर। माफी गलती अरे ये भाई किए हैं, गाड़ी मतलब तो, ये मान के चलिए कि आप गाड़ी परचेस कीजिए, शोरूम वाले आपके साथ ठगी माफी मांगे करें, शोरूम पे, आपको गोलमोल बातें करें, शोरूम वाले पैसा कमाए, और माफी भी यही मांगे, हेलो माफी भी यही मांगे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। हेलो इनको क्या करना पड़ेगा, क्या रास्ता है इनके लिए? ये हेलो, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे सर, कहाँ अरे आप भटकेंगे? उनकी स्वेच्छा है सर, एज ए कस्टमर वो तो जा मतलब आप सकते हैं, पैसा मुझे नहीं कोई मांगेंगे, आपत्ति माफी नहीं। मांगेंगे, मांगेंगे तब पैसा देंगे। उनको लेटर में लिखना ही पड़ेगा कि मैंने गाड़ी ले गया था, बट गलती की वजह से गाड़ी खराब है, तो मुझे रिफंड चाहिए वो पैसे, ये बस। क्यों गलती से एडमिट करे सर, ये गलती क्यों क्यों सर, एडमिट एक करे? बार आपका उनको बंदा, परचेस गाड़ी की आपका गई, बंदा ये कमिटमेंट किया था गाड़ी खराब है, सेकेंड दिन आपको गाड़ी बना के दे वो देंगे, बंदा सर आपका कहाँ बंदा, पे जाके यार, तुम ही बात मतलब समझो शोरूम का ही आदमी ऐसे है ना, जैसे आप ऐसे तुमने। लोग को जॉब में क्यों रखते हैं जो मिसगाइड करते हैं?
आप आए हो अभी, हाँ आपके बगल में क्या हो रहा है आपको पता रहेगा? तो मतलब आप जनरल मैनेजर हैं, आपके नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं? आप किसका अच्छे काम कर ये सकते गलती हो? करके किसी को चोरी करके मर्डर करके आ जाएगा तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है वो, तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपकी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको देखते थोड़ी रहूंगा। यदि आपके पास आपके पास शिकायत जा रही है तो क्या मेरे पास करेंगे? शिकायत आई थी गाड़ी बनाने के लिए, मैंने उनको परमिशन लिया 3 दिन की, गाड़ी बना के भी लेके आया, अब वो नहीं ले जाना चाह रहे हैं तो करेंगे रिफंड उनको। वो गाड़ी बन गया लगता है आपको? गाड़ी बना ही नहीं तो मैं कैसे ले जाऊं? गाड़ी नहीं बना है, दिखाओ उनको। बिल से क्या होता है सर? मैं तो 50,000 का बिल अभी बना कर देता उनको हूँ, आप कार्ड बोलिए ना दिया कौन हुआ सा है कहाँ वो से भी लाना है दिखाओ। घर की। आप ये बताइए गाड़ी बनने राय के संतुष्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये मैं बताइए। संतुष्ट नहीं फिर हूँ, तो आप कभी जिंदगी में नहीं है संतुष्ट ना नहीं हो संतुष्ट आ सकते ना। रहा है? नहीं क्यों क्यों संतुष्ट नहीं हो सकते सर? इनको अगर गाड़ी नहीं खरीदनी रहती तो आपके पास पैसा जमा करके गाड़ी खरीद के क्यों जाते? ले गए थे ये तो 2 दिन बाद क्यों वापस दिए सर? मैं ये बोल रहा हूँ, 2 दिन बाद आपके ही बंदे बोले थे सर, पुरानी आपको गाड़ी में पर वारंटी कमिटमेंट नहीं ये है। करना कमिटमेंट चाहिए ना कि हम ये गाड़ी बेच रहे हैं, कमिटमेंट ये करना चाहिए कि हम ये गाड़ी बेच रहे हैं। आपको जो शिकायतें हैं आपने कर दी है, मेरे को आप सॉल्यूशन के लिए 1 दिन का समय नहीं चाहिए। सचिन ही चंदन नाम है। हाँ चंदन भैया, 1 दिन बाद मेरे को आप मिलिए कल, यदि रिफंड का प्रोसेस हो सकता है तो रिफंड करूंगा, नहीं तो उपभोक्ता फोरम के हिसाब से आप लगा सकते हो। लगा सकते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है करिए आप। देख सकते।